यहाँ पर जी कौशल ने जो है ना चटनी बना ली है गाढ़ी गाढ़ी माशाल्लाह से, बहुत ही मजे की लग रही है माशाल्लाह। और इस साइड पर जो शुक्रिया जो है ना अपनी कढ़ाई लेकर आ गई हैं और यहाँ पे जो है ना पकोड़े बनाना शुरू कर रही हैं। जी ये मेश का है बेचारा ये माशाल्लाह। बस घी गर्म हो जाता है फिर जो है ना शुरू करते हैं बनाना। हाँ जी बिल्कुल ऐसे। पकोड़े जी माशाल्लाह से तैयार हो चुके हैं हमारे। आखिरी पूरी ये है बल्कि अभी रहता है ये थोड़ा सा रहता है क्योंकि जो पहला फूड था ना वो मैंने निकाल के इस कढ़ाई में से जारा को और बच्चों को दी है। माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है आपकी दुआ से हम भी ठीक हैं जी। नाश्ते के लिए जी हरी मिर्चे टमाटर प्याज और साथ में जो है ना घी डाल कर जो है ना इसकी भुनाई की जा रही है। नमक भी डाल दिया। ये जी मुल्तानी डिश है जी। हाँ जी आप रुबीना की। आप रुबीना की जी। आप रुबीना जो है ना इस तरह से बनाती हैं और बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार बनती है जी। मैंने फिर कहा शुक्रिया को, मैंने कहा आज जो है ना ये चीज़ बना के दो, इसके साथ नाश्ता करते हैं। हाँ जी आप नहीं करना है नाश्ता रोटी के साथ, मैं था नहीं रोटी खाने। नरम वो पड़ी है डबल रोटी साथ चाय। हाँ जी चाय डबल रोटी लूँगी क्योंकि रात भी मैंने रोटी खाई थी, सारी रात नींद नहीं, इतनी तबीयत खराब हुई है। कल सुबह भी मैंने नाश्ता किया था जब भी सारा दिन बिस्तर में ही लेती रही हूँ। नहीं आप दवाई लेकर आती हैं, आप पहले जो है ना नरम गिजा खा लें उसके बाद फिर वो अपना डॉक्टर जो है ना फैमिली डॉक्टर उससे जो है ना दवाई लेकर आएंगे इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। क्योंकि वो जो डॉक्टर मनीर है ना उसका इंजेक्शन लगते ही ना बुखार वगैरह उतर जाता है। क्योंकि फैमिली डॉक्टर है ना तो शुरू दिन से उधर से ही लेते हैं तो उधर की दवाई माफी। इस साइड पर जो है ना इब्राहिम भाई लकड़ियाँ काट के दे रहे हैं और हमारा देसी मुर्गा जी देखते हैं तैयार हुआ है कि नहीं हुआ। मेरे ख्याल देसी मुर्गा हो गया तैयार। हो गया देसी मुर्गा तैयार भी हो गया। वो देखे लहसुन खा भी रहा। लेकिन लुक वैसे नहीं है जैसे आप रुबीना की। वो अभी आप ही बना रही थी ना, अभी वो कच्चा बन था, ये पक के फिर ऐसी हो गया ना। अगर आप ही की भी वो पकती भी देखते ना तो फिर वो क्या देखते आप ही की भी पकती। ये टमाटर हरी मिर्चे लेकिन ना मैंने इसमें प्याज डाला, आप ही की सिर्फ टमाटर हरी मिर्चें थी क्योंकि हमारे पास टमाटर प्याज नहीं डालने थे ना बेचारे, तो आपका फिर मैंने पूरा नहीं करना था, टमाटर थोड़े से ही थे मैंने वही डाला। आज जी शुक्रिया का खाना जो है ना वो और है, हमने ये वाला खाना कह रहा हूँ नाश्ता। ये ले जी अपना नाश्ता पकड़े डबल रोटी। थैंक यू मेहरबानी। रात ये मैंने बिल्ली से बचाई है डबल रोटी। ये देखे शापर उसने क्या किया शापर के साथ। क्या हो रहा है ओए इधर देखो बांसुरी बजा रही है वो। हाँ बांसुरी बजा रही है इधर बांसुरी बजा रही है उधर वो बांसरा बजा रहा है। कौशल बंद कर दो बल्ब। मेरे वाला कौवा नहीं है, मेरा दोस्त नहीं है, ये और ही कोई है। यहाँ पे कौशल जो है बर्तन धो रही है क्योंकि अब जो है ना सारे बर्तन जो है ना फ्री हो चुके हैं। नाश्ता भी कर लिया है, सारा काम हो चुका है। अभी आया हूँ बाजार से, आधा किलो गोश्त बोला था, हरी मिर्चें टमाटर आ गई हैं। लेकिन ज़्यादा कह रही है माशाल्लाह गोभी देखे परात भरी हुई है, फिर आलू भी डालेंगे तो ये ना आधा किलो चिकन कम है। बस ये है कि हमें ना मिले मिस्त्री भाइयों को जो है ना उनको दे देंगे, हमारी खैर है। खुशबू तो बन जाएगी ना। हाँ जी खुश, वो कहते हैं हाथ का जायका होना चाहिए। हाथ का जायका भी और खुशबू बन जाएगी। हाँ बस इतनी सारी गोभी माशाल्लाह, क्योंकि फैमिली भी बड़ी सारी है और पाँच बंदे वहाँ पे काम कर रहे हैं, तीन और एक चार, चार बंदे काम कर रहे हैं। पांच बंदों की भेजनी चाहिए ना, फिर यह है कि कम ना हो क्योंकि ये फिर सूखा सालन बनेगा ना, फिर आपको पता सूखा सालन तो ज्यादा लगता है। चलें ठीक है माशाल्लाह, आप तेजी से अपना काम कंप्लीट करें जी। क्योंकि फिर ना बनाते बनाते जो है ना दो ही बच जाते हैं। हाँ जी बस ये सालन बनाना, आटा हमने इब्राहिम को दे दिया तंदूर पे रोटी लगवाने के लिए क्योंकि लकड़ियाँ थोड़ी सी थी, मैंने कहा चलो लकड़ियों पे ना सालन बना लेंगे और बकाया जो मिस्त्री भाई की रोटियां ना वो तंदूर पे लगवा लेते। चलें ठीक है। और इस साइड पर कौशल के बर्तन हो चुके हैं सारे कम्प्लीट, ये वाले सारे धो लिए हैं, बस ये जो है ना क्या बोलते हैं कुकर रह गया बाकी। ये वही लग रहा था मुझे तो, कौवा मेरा दोस्त ही था ना। वही था, दे दिया था नाश्ता, इसको नहीं दिया था बेचारे को। पहले रोटी दी है, बाद में मैंने ब्रेड दी है। चले माशाल्लाह माशाल्लाह, इनको लाजमी दिया करें ना याद से। आप भी पर टूटे हुए कौवे के फैन है उधर भाई इमरान जी। भाई इमरान कहता है आया मेरा यार आ गया। अब है ही नहीं वो, चला गया, नहीं तो भी दिखाता मैं, आएगा ना फिर देखेंगे। जी बिल्कुल। यहाँ पर जी अब चूल्हे पर आ चुके हैं और
मिसाला जी हमारा तैयार हो रहा है और चिकन धोकर जो है नज़ारा ने भेजा है। चिकन जो है ना वो भी हमने ऐड कर लिया है। हाँ जी, प्याज भी ग्रेन कर लिए हैं। अभी चिकन में डाल दी थोड़ा सा नमक, क्योंकि चिकन ना ये पतीली को लग रहा है, क्योंकि हम नमक डालेंगे ना ये फिर पतीली में नहीं लगेगा। हाँ जी, और गोभी जो है हमारी ये भी आ चुकी है। हाँ जी, गोभी भी सब मसाले तैयार है, क्योंकि लहसुन अदरक का पाउडर मैं ये वाला डालूंगी, उसका पेस्ट में बनाया पाउडर डालूंगी। अच्छा, वो नहीं बना मसाला, नहीं ये क्या चीज़ है? ये लहसुन है। अच्छा, उसका पाउडर है और ये अदरक है, अदरक का पाउडर। कितने आसानी कर दी है लोगों ने, हैं जी, कंपनियों ने, कंपनी है ना ये, कंपनियों ने। और साथ साथ वो प्याज भी फ्राई हुए मिलते हैं ना, लेकिन हम तो प्याज अपने ही डालते हैं ना, ये जो बाजार से लेके आते हैं ये फ्राई करते हैं, लेकिन वो वाले नहीं हम डालते, ना हमने कभी वो इस्तेमाल। जैसे जैसे जदीद दौर आ रहा है, चीज़ों में सहूलत भी होती जा रही है और उतनी बीमारियाँ फैलती जा रही हैं। देसी अब देखें, कुछ दिन तो नहीं, कुछ साल पीछे जाएं तो जो ये चक्की होती थी हाथ की, उससे जो है ना गंदम उसमें ऐड करते थे, फिर जो है ना आटा पीसा करते थे। अब वो चीज़ें कहाँ ना, इसलिए तो बंदा बीमार हो रहा। सहूलतें भी, क्योंकि उस टाइम जो है ना टफ काम खवातीन मर्द हजरात किया करते थे और तंदुरुस्त सेहतमंद रहते थे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। अब जो है ना जितनी सहूलतें आती जा रही हैं उतनी बीमारियां फैलती जा रही हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। शुक्रा सिस्टर जी आई हुई हैं, किस कमरे में आई हुई हैं आप पहचान सकते हैं, देख सकते हैं। आपने ये कमरा जो है ना बार बार जो है ना देखा होगा। ये है जी फातिमा सिस्टर का पुराना होम, पुराना रूम है पुराना घर है, यहाँ पे रहा करती थी। और माशाल्लाह से मेरे प्यारे बहन भाइयों ने, माओ ने, सब ने मिलकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया, जो मैंने मेहनत की है। और यहाँ पे एक मैं बात कर देता हूँ, मुझे काफ़ी सारे जो है ना कमेंट्स आ रहे होते हैं, भीख मंगता, भिखारी कहीं का, फलाना ढिमकना, ऐसी बातें करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बात ज़रूर करना चाहता हूँ, जो ये बात करते हैं ना, ज़रा हिम्मत करके आप देखिएगा। अल्लाह पाक, पहली तो बात है, सबको जो है ना हर मुल्क में जहाँ जहाँ भी दुनिया में मुसलमान बसते हैं उस मुल्क की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। ज़रा हिम्मत करके देखें, सैलाब में इतना पानी, चारों तरफ पानी हो और अंदर नीचे जो है ना इतना गहरा जो है ना पता नहीं कितने फुट नीचे जो है ना ज़मीन की तह मिलती नहीं है। और मैं किश्तियों में निकला हूँ, अपनी टीम को लेकर निकला हूँ, मैंने मेहनत की है, इस तरह कोई प्यार नहीं करता। आज के दौर में कोई किसी को पैसा देता है? 10 रुपए नहीं कोई देगा राजी आज के दौर में। मैंने आखिर मेहनत की है, चाहे माह रमज़ान का मुकद्दस महीना हो, सैलाब का अपना ये सैलाब जब चला हो, या बकरीद हो गई हो और साथ में मुहर्रमुल हराम हो गया हो, मैंने एक जो है ना कहते हैं ना एक मसला को मुंसलिक कर देना, वो मैंने काम नहीं किया सबका, बल्कि जो है ना मिलकर लेकर चला। अल्हम्दुलिल्लाह इस नौबत पर, इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माओ ने, मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने मेरा साथ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह फातिमा आप ही का घर बन गया, वो अपने घर में जो है ना शिफ्ट हो गई हैं। अब जो है आप देख सकते हैं कि शुक्रिया का घर भी बन रहा है इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मेरा नहीं है वो, उन्होंने रहना है। मुझे 2 रोटी सुबह चाहिए, 2 रोटी शाम चाहिए, धुला हुआ सूट मिल जाए, बस ये अपनी ज़िंदगी है। बाकी अपने कामों में रवाना हो जाना है, काम पे चला जाना है। देखने वाले बहन भाइयों से जो ये कमेंट करते हैं, पता तो चल ही जाता है, आखिर इंसान का भी जो सेंस है, दिमाग है, वो काम करता है कि भाई ये कौन कमेंट करते हैं। ये असल में वो कमेंट करते हैं जो हसद करते हैं, जेलस करते हैं, वो ये कमेंट करते हैं। जेलस नहीं करना चाहिए उन्हें, बल्कि खुश होना चाहिए। देखो अल्लाह के राह पे ये दे रहा है, अल्लाह के राह पे अल्लाह ताला फिर उन्हें कितना दुगना देता है। जब हम गुर्बत में थे, गरीबी में थे, जब तो बातें नहीं करते थे बस, हैं जी। अब अल्लाह पाक ने आस्ता आस्ता हालात ठीक कर रही है, सबके हालात ठीक हो रहे हैं, ठीक है, अब बातें कर रही है। अब क्यों बातें कर रही है भाई? वो देते हैं, हमारे बहन भाई अपनी मेहनत करके देते हैं, अपने दिल खुशी से देते हैं, तो आपको तो इतराज़ होना ही नहीं चाहिए। आप दें तो इतराज़ करें ना, ठीक है। जो देते हैं अल्लाह की राह पे दे देते हैं, यार ये बंदा देखो इतनी मेहनत की है, इसकी इतनी बड़ी फैमिली है, घर से बेघर है, मेहनत करता है लड़का, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मैंने मेहनत करके दिखाई है, आगे भी करूंगा जब तक जिंदगी है इंशाल्लाह ताला। मेरी बात फिर लंबी होगी, आलू उठा लो, आलू तो बहुत छोटे छोटे हैं, बस खत्म हो गया आलू के। लेकिन ये आप ही जो आपने आलू रखे हुए हैं ना यहाँ पे सही नहीं रखे हुए, इसका थड़ा बना हुआ हो, थड़े के ऊपर रखें ताकि हवा भी लगे, यहाँ तो फिर वही चूहे और जानवर वगैरह
नहीं मैंने करूंगी थोड़ी सेटिंग ना, यहाँ पे इस तरह इंटर जैसे ये थल्ला बना हुआ ना इसके साथ और बन जाए थल्ला, इसके ऊपर आलू रखे हुए आराम से, फिर माह रमजान अच्छा गुजरेगा। चले ले आए आलू तो आपके, ये आलू अच्छे हैं जो आपने निकाले, ये पहले के आलू आए हुए थे ना, ये कुछ बासी है। हाँ जी कुछ बच्चे वगैरह ले आए हैं, कुछ आपने जो है ना ये जो भट्टे पे हाजी साहब उन्होंने दिए होंगे, जो काफी सारे हो गए, माह रमजान अच्छा गुजर जाएगा। आपा जी सुगना सिस्टर आलू लेकर आ गए हैं और अम्मी जी को देखें, अम्मी जी मुझे लगता है आमना सिस्टर से बात कर रही हैं, आमना से बात कर रही हैं। हाँ जी आमना से बात, माशाल्लाह दिखाइएगा। ये देखें जी, सलाम अलैकुम, मरहबा मरहबा, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए आप ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी, माशाल्लाह। हाँ जी ठीक, हाँ जी क्या कह रही हैं, मैं सब ठीक है, रोजा रखा हुआ, रोजे की खोलने की तैयारी कर रही हूँ। रोजा भी तो नहीं, अभी तो देर है, पूरा डेढ़ दो घंटा देर है। पांच रोजे रखने हैं मैंने। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। अच्छा जरा बता भी दें किस नियत से रोजे रखे हुए हैं। वो अल्लाह पाक ने प्लाट दिया ना अपना, उसकी वजह से। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है जी, पहला रोजा है आज जी। हां जी पहला रोजा है, पांच रखने हैं। चलो अल्लाह पाक आपको खैरियत से सारे जो आपने दिल में नियत की थी अल्लाह पाक आपकी पूरी करे, आमीन। क्या शादी में आओगे भाई? वो देखेंगे बाद में देखेंगे इंशाल्लाह ताला, अभी तो आपको पता है। चलो अल्लाह खैर करेगा, वो बाद में देखेंगे, आपको पता है ना अभी भगदड़ मची हुई है, हर तरफ भागना पड़ता है। चलो मैं जी आप करें गपशप। हाँ ठीक है, और सुना अभी जी, शुक्रिया की दवाई लेकर आए हैं क्योंकि तबीयत जो है ना खराब थी इनकी। हाँ जी। टीका लगा, कुछ फर्क पड़ा है? फर्क तो पड़ा लेकिन ना वो सुबह का नाश्ता करा हुआ था ना, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया, तो अब ना घबराहट सी महसूस हो रही है। चलें अब जो है ना आपके लिए कुछ इंतजाम करते हैं जी, और कुछ खा के जाना था ना, ये तो फिर आपको चाहिए था ना, अब डॉक्टर को क्या पता भी कुछ खाया हुआ कि नहीं खाया हुआ, मुझे भी नहीं पता था। चलें अल्लाह खैर करता है, और चांद देखें, चांद मामू निकला हुआ है और साथ में तारा भी है। हाँ जी। रात का टाइम हो गया है, व्लॉग भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, उम्मीद है आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआओं में रखिएगा, याद अल्लाह हाफिज़।